बहावलपुर में कोरोना मसीहाओं को सबसे ज्यादा मुतासर करने लगा। अब तक 86 डॉक्टर और पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार होकर करंटीना में चले गए। विक्टोरिया और सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के बायस एक डॉक्टर और एक पैरामेडिक्स ने जान की बाजी हारी। सराय की आवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। मुजफ्फरगढ़ थर्मल कॉलोनी में 10 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। थर्मल कॉलोनी में लगाई गई पाबंदियां नर्व करने पर गौर फिक्र शुरू कर दिया गया। दुनियापुर में कोरोना वायरस का डर, ना ही एसओपीज पर अमल दरामद। सब्जी मंडी में हुकूमती एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गयी। दुकानदारों ने मास्क का इस्तेमाल किया, ना ही खरीदारों ने सामाजिक फासला भी नजरअंदाज कर दिया। शहरियों का मुतल्लका महकमे और आला अफसरान से एसओपीज की पाबंदी करवाने का मुतालिबा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, मुल्तान में गैस्ट्रो का मरज बढ़ने लगा। निश्चर अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में गुजश्ता 24 घंटों के दौरान 171 मरीज पहुंच गए। निश्चर अस्पताल में 81 और डीएचयू अस्पताल में 39 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 51 मरीज बच्चे लाए गए। नए माली साल का बजट मुस्तरद। बहावलपुर और खानेवाल में आम शहरियों का सख्त रद्दअमल। छोटे ताजरों और आम शहरियों को रिलीफ नहीं दिया गया। बजट ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सदर अंजुमन ताजरान मियां अजमल अब्बास ने वफाकी बजट को IMF का बजट करार दे दिया। वफाकी बजट नामंजूर नामंजूर। रहीम यार खान में नए बजट के खिलाफ एप्का मुलाजमीन सरापा एहतजाज। कहते हैं हुकूमत ने बजट में मुलाजमीन को नजरअंदाज किया। सरकारी मुलाजमीन का मौशी कत्ल बंद किया जाए। हुकूमत एप्का के मुतालबात तस्लीम करे। नवाबों के शहर में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हवा। चीनी ताहाल पुरानी कीमतों पर फरोख की जाने लगी। इंतजामिया शहरियों को सस्ती चीनी दस्तियाब करवाने में नाकाम। दुकानदारों का कहना है कि अगर हुकूमत 70 रुपए चीनी देगी तो हम बगैर मुनाफा के भी फरोख करने को तैयार हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलिक फारूक अहमद का मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर छापा। पेट्रोल होने के बावजूद फरोख न करने वालों को 15,000 के जुर्माने। एक शख्स गिरफ्तार। सराय के खत्ते में स्मार्ट लॉकडाउन। सादिकाबाद में आज और कल कारोबारी मराकज बंद। फ्रूट सब्जी बेकरीज और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। कोरोना का मरज सादिकाबाद में भी पंजे गाड़ने लगा। इंतजामिया अलर्ट हो गई। जनूबी पंजाब समेत सुबह भर के साइलीन और नौजवान वकला के लिए बड़ी खबर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मजीद सिविल जजेस भर्ती करने का फैसला। 600 से जायद खाली आसामियों पर सिविल जजेस की भर्ती के लिए जल्द दरखास्त तलब की जाएंगी। उम्मीदवारों के लिए BA LLB 2 साल की वकालत प्रैक्टिस होना जरूरी होगा। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के डिस्ट्रिक्ट 10 सेशन जजेस की नई सीनियोरिटी लिस्ट मुरतब। फौरी नाफिजुल अमल। नई फहरिस्त में 14 सेशन जजेस की सीनियोरिटी बरकरार। 129 सेशन जजेस की सीनियोरिटी में एक दर्जा इजाफा कर दिया गया। बहावल नगर में तलबा तालबात के लिए खुशखबरी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब भर में 1,227 एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड कर दिया। महकमा तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बहावल नगर के 26 स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया। रहीम यार खान की दस्तगीर कॉलोनी में सिवरेज के नाकिस इंतजाम। गलियां गंदे पानी के तालाबों में तब्दील। मकीनों शहरियों और राहगीरों को शदीद मुश्किल। कहते हैं इंतजामिया की जानिब से सफाई के कोई अमल इकदाम नहीं किए गए। इंतजामिया से फौरी अमल इकदाम करने का मुतालबा किया। लॉकडाउन और कोरोना वायरस का असर खेल के मैदानों पर पड़ने लगा। मुजफ्फरगढ़ में खेल के मैदान जबूहाली का शिकार। स्पोर्ट्स ग्राउंड में मकामी अफराद ने जानवर बांध दिए। वॉकिंग ट्रैक जगह जगह से टूट फूट का शिकार। पीने का पानी भी मौजूद नहीं। खिलाड़ियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मियांवाली मेन बाजार पिपला की सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल बन गए। बारिशों के सीजन में दुकानों के सामने पानी जमा। दुकानदार शदीद मुतासर। शहरियों का हुकूमत और जिला इंतजामिया से सड़क को असर नौ तामीर करने का मुतालबा। लोधरा कुरैशीवाला की रिहायशी 60 साल बुजुर्ग खातून लाल माई मुबैना तशद्दुद का शिकार। इंसाफ के लिए दरबदर। खातून का प्रेस क्लब लोधरा के बाहर एहतजाज।
अरबाब इख्तियार से हुसूल इंसाफ का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि दरख्वास्त मौसूल है, मेरिट पर कार्रवाई होगी। बहावलपुर में थाना उच्चरीफ पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, दो मुलजमान गिरफ्तार, शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। लैया में थाना फतेहपुर पुलिस ने तीन मुलजमान को गिरफ्तार करके नकदी और असलाह बरामद कर लिया। खानेवाल के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद लियाकत शहीद की आज नवी बरसी। शहीद ने 2011 को सवात के मकाम पर मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करते हुए जामे शहादत नोश फरमाई। शहीद के अहले खाना को मुल्क पर जान निछावर करने वाले सपूत पर फख्र। वतन पर कुर्बान होने वाले जहानिया के बहादुर बेटे सिपाही अनवर मसीह की 11वीं बरसी। अनवर मसीह ने 2009 में दुश्मन से मुकाबला करते हुए मंगौरा सवात के मकाम पर मुल्क की खातिर जान निछावर की। अजीजों अकारिब की जानिब से दुआएं मांगने का सिलसिला जारी। फोर्ट अब्बास में सुरमई गहरे से बादलों का राज बरकरार। बारिश के बायस नशेबी इलाके से रियाब आ गए। खुशगवार मौसम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश होने से काश्तकार हजरात भी खुश। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की नवीद सुना दी। और मुल्तान में महकमा आसार कदीमा के एसडीओ गुलाम मोहम्मद 58 साल के हो गए। सालगिरह पर दो सहबाब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात और नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। बहावलपुर में कोरोना मसीहाओं को सबसे ज्यादा मुतासर करने लगा। अब तक 86 डॉक्टर और पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार होकर करंटीना में चले गए। विक्टोरिया और सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के बायस एक डॉक्टर और एक पैरामेडिक्स ने जान की बाजी हारी। सराय की आवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। मुजफ्फरगढ़ थर्मल कॉलोनी में 10 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। थर्मल कॉलोनी में लगाई गई पाबंदियां नरम करने पर गौर फिक्र शुरू कर दिया गया। दुनियापुर में कोरोना वायरस का डर, ना ही एसओपीज पर अमल दरामद। सब्जी मंडी में हुकूमती एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गयी। दुकानदारों ने मास्क का इस्तेमाल किया, ना ही खरीदारों ने सामाजिक फासला भी नजरअंदाज कर दिया। शहरियों का मुतल्लका महकमे और आला अफसरान से एसओपीज की पाबंदी करवाने का मुतालबा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, मुल्तान में गैस्ट्रो का मरज बढ़ने लगा। निश्चर अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में गुजश्ता 24 घंटों के दौरान 171 मरीज पहुंच गए। निश्चर अस्पताल में 81 और डीएचयू अस्पताल में 39 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 51 मरीज बच्चे लाए गए। नए माली साल का बजट मुस्तरद। बहावलपुर और खानेवाल में आम शहरियों का सख्त रद्दअमल। छोटे ताजरों और आम शहरियों को रिलीफ नहीं दिया गया। बजट ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सदर अंजुमन ताजरान मियां अजमल अब्बास ने वफाकी बजट को आईएमएफ का बजट करार दे दिया। वफाकी बजट नामंजूर, नामंजूर। रहीम यार खान में नए बजट के खिलाफ एप्का मुलाजमीन सरापा एहतजाज। कहते हैं हुकूमत ने बजट में मुलाजमीन को नजरअंदाज किया। सरकारी मुलाजमीन का मौशी कत्ल बंद किया जाए। हुकूमत एप्का के मुतालबात तस्लीम करे। नवाबों के शहर में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हवा। चीनी ताहाल पुरानी कीमतों पर फरोख्त की जाने लगी। इंतजामिया शहरियों को सस्ती चीनी दस्तियाब करवाने में नाकाम। दुकानदारों का कहना है कि अगर हुकूमत 70 रुपए चीनी देगी तो हम बगैर मुनाफा के भी फरोख्त करने को तैयार हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलिक फारूक अहमद का मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर छापा। पेट्रोल होने के बावजूद फरोख्त न करने वालों को 15,000 के जुर्माने, एक शख्स गिरफ्तार। सराय के खत्ते में स्मार्ट लॉकडाउन। सादिकाबाद में आज और कल कारोबारी मराकज बंद। फ्रूट, सब्जी, बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। कोरोना का मरज सादिकाबाद में भी पंचे गाड़ने लगा। इंतजामिया अलर्ट हो गई। जनूबी पंजाब समेत सुबह भर के साइलिन और नौजवान वकला के लिए बड़ी खबर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मजीद सिविल जजेस भर्ती करने का फैसला। लोधरा कुरेशीवाला की रिहायशी 60 साल बुजुर्ग खातून लाल माई मुबैना तशद्दुद का शिकार। इंसाफ के लिए दरबदर। खातून का प्रेस क्लब लोधरा के बाहर एहतजाज। अरबाब इख्तियार से हुसूल इंसाफ का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि दरख्वास्त मौसूल है, मेरिट पर कार्रवाई होगी।
बहावलपुर में थाना उत्शरीफ पुलिस की जराइम पेशा अपराध के खिलाफ कार्रवाई, दो मुलजमान गिरफ्तार, शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। लैया में थाना फतेहपुर पुलिस ने तीन मुलजमान को गिरफ्तार करके नकदी और असलाह बरामद कर लिया। कारेवाल के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद लियाकत शहीद की आज नवी बरसी। शहीद ने 2011 को सवाब के मकाम पर मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करते हुए जामे शहादत नोश फरमाई। शहीद के अहले खाना को मुल्क पर जान निछावर करने वाले सपूत पर फख्र। वतन पर कुर्बान होने वाले जहानिया के बहादुर बेटे सिपाही अनवर मसीह की 11वीं बरसी। अनवर मसीह ने 2009 में दुश्मन से मुकाबला करते हुए मंगौरा सवात के मकाम पर मुल्क की खातिर जान निछावर की। अजीजों अकारिब की जानिब से दुआएं मांगने का सिलसिला जारी। फोर्ट अब्बास में सुरमई गहरे से बादलों का राज बरकरार। बारिश के बायस नशेबी इलाके से रियाब आ गए। खुशगवार मौसम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश होने से काश्तकार हजरात भी खुश। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की नवीद सुना दी। और मुल्तान में महकमा आसार कदीमा के एसडीओ गुलाम मोहम्मद 58 साल के हो गए। सालगिरह पर दो सहबाब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया।